लड़कियों को धोखा देना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। मैं एक दोस्त के साथ मॉडल टाउन मार्केट में दही पल्ले खा रहा था कि मैंने नोट किया हमारी साथ वाली टेबल पर एक लड़का अकेला बैठा बहुत देर से दही पल्ले खाते हुए मुसलसल मोबाइल पर मैसेज कर रहा है। मैंने उस लड़के को अपना तारुफ करवाया कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ और अगर आप इजाजत दें तो आपसे बात करना चाहता हूँ। लड़के ने बड़ी खुशदिली से न सिर्फ इजाजत दी बल्कि ये भी कहा कि उसे अच्छा लगा है कि वो जिंदगी में पहली बार किसी माहिर नफ्सियात से बात करेगा और उसने दरखास्त की कि उसे मजीद अच्छा लगेगा अगर मैं उसे आप कहने के बजाय तुम कहकर मुखातिब करूं। बात करने पर पता चला कि वो एक मशहूर प्राइवेट कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। मैंने उससे पूछा कि वो मैसेज पर किससे बात कर रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया एक दोस्त है। मैंने बात को घुमा फिराकर पूछने के बजाय सीधा पूछा कि क्या कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है। उसने हंसते हुए जवाब दिया कोई एक नहीं बल्कि काफी सारी हैं। मैंने कहा कि सच बताओ क्योंकि लड़कों के लिए सिंगल होना वैसे ही बायस से बेइज्जती होता है इसलिए वो अपने साथ लड़कियों की झूठी कहानियां जोड़कर दोस्तों की दाद वसूल करते हैं। मेरे ऐसा कहने पर उसने जल्दी से अपना व्हाट्सएप खोला और लड़कियों से होने वाली अपनी गुफ्तगू और तस्वीरों के तबादले को सबूत के तौर पर दिखाते हुए कहने लगा कि इन सारी लड़कियों से मैं आजकल बात करता हूँ, आप चैट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ चेक नहीं करना बल्कि सिर्फ पूछना ही है, सही जवाब देना। क्या ये सब लड़कियां तुमसे मिलती भी हैं या सिर्फ फोन पर ही बात करती हैं? उसने जवाब दिया कि नहीं सर अभी इनमें से किसी से भी मुलाकात नहीं हुई, बात सिर्फ फोन तक ही है, कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ और चंद के साथ बस मिलने के एतबार तक पहुँचने ही वाला हूँ क्योंकि ज्यादातर लड़कियां यही कहती हैं कि जिस दिन तुम पर मुकम्मल एतबार हो गया उस दिन मिलूंगी। मैंने मजीद पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो तुम कर रहे हो क्या वो ठीक है? उसने जवाब दिया मैंने अभी तक किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया और ना ही कुछ गलत करने का इरादा है, कुछ गलत करना कबीरा गुनाह यानी बड़ा गुनाह है जबकि कुछ देर को बातें करके दिल बहला लेना ये सगीरा गुनाह यानी छोटा गुनाह है, इसकी खैर होती है। मैंने पूछा कि एक ही वक्त में कई लड़कियों से बात करना, सबको दिल वाले मैसेज भेजना, लव यू कहना, लड़कियों को धोखा देना, उसे कौन सा गुनाह कहते हैं? उसने जवाब दिया ये सब छोटे गुनाह हैं। वैसे भी ये कौन सा मुझसे अकेले से बात करती होंगी, अल्लाह जाने कितने और फंसाए होंगे, लाइन में लगाए हुए होंगे। मेरा तजर्बा है कि ये लड़कियां किसी एक की नहीं होती, इन्होंने जगह जगह जानू बनाए होते हैं। मैंने उससे कहा कि जो मैं कहने लगा हूँ उस पर गौर करना, मुझे नहीं खुद को जवाब देना कि अगर कल को तुम्हें कोई अच्छी सच्ची बावफा लड़की मिलेगी तो तब तुम्हें इसकी मोहब्बत का कैसे यकीन आएगा, या जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कैसे यकीन आएगा कि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बीवी ही है, कई लोगों की बीवी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तजुर्बा तुम्हें बताएगा कि लड़कियां किसी एक की नहीं होती। ये सोचकर तुम कदर करने वाली की बेकदरी करोगे, मुस्कुराती आंखों को रुलाओगे। तुम दिल बहलाने के अच्छे और मजबूत तरीके क्यों नहीं ढूंढते, क्योंकि जो आज मजाक लगता है कल माजी बनकर जिंदगी में महरूमी लाएगा। जज्बात मजाक नहीं होते, इसलिए उन्हें हर किसी से नहीं जोड़ते।